हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। दिस इज दीपेन गोगोई। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, और देखेंगे आज क्रूड ऑयल में हम बाय में जा सकता है या सेल में जा सकता है, उसका ऊपर भी बात करेंगे। अगर बाय में जा सकता है तो कहाँ पर हम बाय कर सकते हैं या सेल कहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, उसका ऊपर हम बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं क्रूड ऑयल आज पिवट पॉइंट 3414 एंड द फर्स्ट रेजिस्टेंट 3480, सेकेंड रेजिस्टेंट 3582, थर्ड रेजिस्टेंट 3648 एंड द फर्स्ट सपोर्ट 3312, सेकेंड सपोर्ट 3246 एंड द थर्ड सपोर्ट 3144। तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल कंटिन्यूस नीचे आ रहा है। जैसे मैंने एक आपको रेजिस्टेंट और सपोर्टिंग एक जोन दिया था, तो ऑलरेडी जोन ब्रेकआउट करके मार्केट डाउन में आ गया। तो उसमें एक मैंने एक रेजिस्टेंट लाइन भी दिया हुआ है अभी, सॉरी सपोर्टिंग लाइन भी दिया हुआ है 3263 में। तो अगर इसको ब्रेकआउट कर देंगे तो आप यहाँ पर सेल में जा सकता है अप टू 29 32 तक। ये हो गया लॉन्ग टर्म में। सीधा मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में बात कर लेता हूँ 5 मिनट में। तो इसमें देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड में जब मार्केट आता है तो इसमें बाय लेना बहुत रिस्क हो सकता है, लेकिन अगर आप बाय लेना बहुत रिस्क होता है जब डाउन ट्रेंड में रहता है, लेकिन हर जगह आप सेल भी नहीं कर सकता, वो भी एक प्रॉब्लम रहता है। जैसे एक अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली मार्केट मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे से मार्केट लोअर लो बना के आ रहा है। मार्केट है लोअर लो लोअर हाई तो बना के आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, हम तब क्या बनाता है, सपोर्टिंग लेवल हम ढूंढ लेते हैं। जैसे ये सपोर्टिंग लेवल हमें मिला 3263 में, तो यहाँ पे अगर आप सेल करेंगे तो मार्केट, आप सपोज यहाँ पे सेल करेंगे, आपने एस एल यहाँ पे लगाया राइट, तो यहाँ पे आपने सेल एंटी कर दिया, तो मार्केट क्या होता है एस एल हिट करके ऊपर चला जाता है और फिर से मार्केट नीचे आता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर का साथ ये होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है राइट, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ता है एक सपोर्टिंग लाइन। जैसे मैंने आपको अभी निकाल दिया ये सपोर्टिंग लाइन 3263 पे, ये सपोर्टिंग जोन। यहाँ पे कभी भी सेल नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ये टाइम होता है रिट्रेसमेंट, क्योंकि मार्केट कभी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉलिंग नहीं होता है, स्टीप फॉल या स्टीप अप नहीं होता है राइट। तो इसके लिए क्या होता है, मार्केट ऑलवेज क्या होता है, एक वेव की तरफ नीचे आता रहता है राइट। तो ऊपर जाता तो एक वेव की तरफ जाता रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर क्या करता है, यहाँ पे बाय कर लेता है, यहाँ पे बाय कर लेता है, मार्केट नीचे आ जाता है, यहाँ पे बाय कर लेता है, मार्केट नीचे आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है हमें, इसके लिए हमें करना है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मार्केट कहाँ से बाउंस हो रहा है। आप देख सकते हैं ये येलो कलर का एक मूविंग एवरेज दिया हुआ है मैंने, इसको 100 मूविंग एवरेज है। तो येलो कलर से बाउंस हुआ मार्केट, फिर से येलो कलर वापस किया राइट। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी बाय कर लेता है, वो सोचता है मार्केट बहुत नीचे आ गया, तो ये हायर हाई को ब्रेकआउट किया हायर को, ये मार्केट अभी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे बाय कर देता है आदमी, तो मार्केट मार्केट सडनली फेल डाउन राइट, तो गिर जाता है और एसएल जो लगाता है कहीं पे भी तो हीट होके चला जाता है। तो प्रॉब्लम वो होता है। तो आपको एंटी कहाँ करना है, आप देख सकते हैं जैसे ये मार्केट येल्लो को बाउंस करके एक सपोर्टिंग बाउंस होके आ रहा है, तो मार्केट यहाँ से आया, फिर से यहाँ गया, फिर से गया, तो हमें एंटी कहाँ करना है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, तो हम सेल में घुसेंगे राइट। तो सेल में घुसने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वेट करना पड़ेगा जब तक मार्केट फिर से मूविंग एवरेज का आसपास नहीं आए। जब मार्केट आसपास आएगा एग्जैक्टली वहाँ पर ही हम एंटी करेंगे सेल राइट, वहाँ पर हम एंटी कर देंगे सेल पे, कहाँ पे, ये एरिया में राइट। तो अगर यहाँ पे एंटी किया तो हम एसएल लगाएंगे थोड़ा इसका ऊपर, ये एसएल पॉइंट, और इसका नीचे हम टारगेट सेट करेंगे। अगर यहाँ पे एंटी करेंगे ना हम, तो मार्केट जो आपको एसएल पॉइंट होता है ना, एसएल पॉइंट हिट करेगा, उसके बाद नीचे आएगा सीधा। तो इसलिए आपको वेट करना है अराउंड 3406, ये है पॉइंट उसका, तो यहाँ पे आप सेल में जा सकता है राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।